राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गांधी दर्शन नई दिल्ली में महात्मा गांधी की 12 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना व गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के उपाध्यक्ष विजय गोयल भी मौजूद रहे। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कार्यक्रम को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह समिति बापू के विचारों को सामान्य जन तक पहुंचाने के लिए अनेक कदम उठा रही है। महात्मा गांधी की प्रतिमा और गांधी वाटिका की स्थापना इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना और गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के उपाध्यक्ष विजय गोयल ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया और अपने विचार साझा किए। ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि ये समिति बापू के विचारों के सामान्य जनों तक पहुंचाने के लिए अनेक कदम उठाए रहे हैं। महात्मा गांधी की प्रतिमा और गांधी वाटिका की स्थापना इसी दिशा के एक और महत्वपूर्ण कदम है। मुझे विश्वास है कि इस वाटिका में गांधी जी की विभिन्न मुद्राओं में स्थापित प्रतिमाएं और अंकित कथन यहाँ आने वाले पर्यटकों को, विशेषकर बच्चों और युवाओं को जरूर प्रेरित करेंगे। महात्मा गांधी पूरे विश्व समुदाय के लिए एक अमूल्य देन है। उनके आदर्शों और मूल्यों ने संपूर्ण विश्व को एक नई दिशा दी है। अहिंसा का मार्ग उन्होंने इस समय दिखाया जब विश्व कई तरह के देश और कलह से ग्रस्त था। वो कालखंड था विश्व युद्धों का। गांधी जी के सत्य और अहिंसा के प्रयोग ने उन्हें महामानव का दर्जा दिया। यही वजह है कि उनकी प्रतिमाएं विश्व के अनेक देशों में स्थापित है। उनको जानने और मानने वाले लोग दुनिया भर में फैले हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला से लेकर नागरिक अधिकारों के पैरोकार मार्टिन लूथर किंग जूनियर और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा तक ने गांधी जी के द्वारा दिखाए गए सत्य और अहिंसा के मार्ग को विश्व कल्याण के मार्ग माना। बापू के आदर्शों और मूल्यों शाश्वत है। उनके दिखाए रास्ते पर चलकर आज भी विश्व शांति के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। गांधी जी के आदर्शों और मूल्यों हमारे देश और समाज के लिए आज भी अत्यंत प्रासंगिक है। हमारे प्रयास होना चाहिए कि प्रत्येक नागरिक, खासकर युवा और बच्चे, गांधी जी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, जानें और उनके विचारों को आत्मसात करें। इस प्रयास में गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति और ऐसे अन्य संस्थानों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। मेरे लिए ये बड़े सम्मान की बात है कि मैं यहाँ महामहिम राष्ट्रपति जी की गर्मामयी उपस्थिति में आप सबको संबोधित कर रहा हूँ। हम सभी के लिए ये गर्व की बात है कि हम उस धरती पे जन्मे हैं जो बापू की धरती है। महात्मा गांधी जी के वचन, उनका जीवन हमेशा से ही पूरी दुनिया के लोगों के लिए प्रेरणादायी रहा है। मैं आज यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि मेरा सौभाग्य था कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे खादी और विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के चेयरमैन का पदभार संभालने की जिम्मेदारी दी। खादी गांधी जी के बहुत दिल के नज़दीक थी। मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने गांधी जी को देखा तो नहीं, लेकिन खादी के माध्यम से गांधी जी को फील जरूर किया। गांधी जी ने हमें बहुत कुछ दिया, आज़ादी दी। अगर आपको याद हो, साउथ अफ्रीका से गांधी जी जब भारत आए और यहाँ की स्थिति को देखा तो उन्होंने ये ठान लिया कि हमें इस देश को आज़ाद करा के ही दम लेनी, और उसके लिए वो देश के कोने कोने में घूमे, सभाएं की, लोगों को प्रेरित किया और आज ये देश आज़ाद है और हम सब आज़ाद देश में सांसें ले रहे हैं। अंग्रेजों से लड़ना इतना आसान नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी एक व्यक्ति ने इतने बड़े साम्राज्य को ख़त्म करके देश को आज़ाद कराया। आज हमें जो गांधी जी से जो प्रेरणा लेनी चाहिए वो ये है कि यदि कोई व्यक्ति किसी चीज़ का संकल्प कर ले तो फिर उस जगह पर पहुंचना मुश्किल नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति अंधकार से लड़ने का साहस कर लेता है तो मात्र एक जुगनू सारे अंधकार को हर लेता है। दोस्तों और प्यारे बच्चों, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो इस गांधी दर्शन के चेयरमैन हैं, उन्होंने मुझे जब इसका वाइस चेयरमैन बनाया था तो उनका ध्येय सिर्फ एक था कि गांधी जी का शिक्षाओं का प्रचार और प्रसार ज्यादा से ज्यादा करना है जी। और इसीलिए आज मुझे खुशी है कि आज इतना बड़ा कार्यक्रम यहाँ हो रहा है और राष्ट्रपति के आने से इसका संदेश पूरे विश्व के अंदर जाता है। और मैं गांधी जी के बारे में बच्चों एक ही बात कह सकता हूँ, आज गांधी जी के बारे में बच्चों को बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता हो, किंतु उसको और ज़्यादा पढ़ाया जाना जरूरी है। गांधी जी तप और तपस्या का नाम थे। कई बार हम गांधी जी के ऊपर इतना रिसर्च, इतनी बुकलेट, इतने सेमिनार, इतने सिंपोजियम करते हैं
परम कहते हैं गांधी जी को आत्मसात, उनके विचारों को फॉलो करना ज्यादा जरूरी है। और गांधी जी के विचार बड़े सिंपल थे, सत्य सच बोलो, अहिंसा किसी के प्रति क्रूरता मत करो, और सत्याग्रह हर एक अन्याय के प्रति आप आवाज उठाओ। और गांधी जी ने जो स्वच्छता का नारा दिया, वो आज अगर हमारे देश के अंदर कोई गांधी जी के विचारों को चरितार्थ कर रहा है तो उसका नाम है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चरितार्थ कर रहे हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम